मीरा भाभी के घर वालों को लगा कि ये उनका बचपना है, जब वो बड़ी होंगी उनका सचमुच ब्याह होगा तो इस मूर्ति से उनका लगाव अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भगवान कृष्ण और मीरा भाभी के संबंध दिन प्रतिदिन और गहरे होते गए और बढ़ते गए। राणा जी, हम जानना चाहते हैं कि मीराबाई के पति भोजराज जी ने इस समीकरण को, जो वे उनके कृष्ण के साथ साझा कर रही होंगी, कैसे लिया? बताइए ना दाजीराज, हम भी इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। अब हम बच्चे नहीं रहे जो आप लोग ऐसे विषयों पर हमारे सामने बात करते समय सोच विचार करें। हम जानना चाहते हैं कि भोजराज जी का मीरा माता के साथ कैसा व्यवहार था। दादा भाई को बहन उदा भाई और भाई विक्रमादित्य की भांति अपनी पत्नी की भक्ति से कोई शिकायत नहीं थी। इन फूलों से सजने पर मेरे गिरधर गोपाल इतने सुंदर दिखेंगे ना? क्योंकि मीरा भाभी सदा अपने पति का प्रेम और सम्मान के साथ ध्यान रखा करती थी। मीरा भाभी एक कर्तव्य परायण पत्नी थी। सुबह से लेकर शाम तक वो दादा भाई की हर आवश्यकता का ध्यान रखा करती थी। बस उनके बीच पति पत्नी के संबंध नहीं थे, किंतु प्रेम और स्नेह भरपूर था। क्या कहना चाहते हैं आप दाजीराज? ये बात हमारी समझ नहीं आई। अंबागानी हुकुम, राजपुरोहित जी पधारे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें सम्मान सहित अंदर ले आइए। खम्मागढ़ी हुकुम, राणा जी ये बात चारों ओर फैल चुकी है कि बावजी राज प्रताप मीराबाई को चित्तौड़ वापस लाने हेतु एवं उनके दर्शनों हेतु ब्राह्मणों के समूह के साथ द्वारका जा रहे हैं। और बावजीराज की इच्छा अनुसार समस्त ब्राह्मणगण इस कार्य के लिए सहर्ष तैयार हो गए हैं। बहुत ही शुभ समाचार लाए हैं आप राजपुरोहित जी। राजपुरोहित जी, आप हमारी ओर से सभी ब्राह्मणों को कहिएगा कि उनके साथ मीरा माँ के पास द्वारका जाना हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात होगी। हम कल सुबह सूर्योदय के साथ साथ ही निकल पड़ेंगे और हम अपनी वास्तविक पहचान छिपाने के लिए ब्राह्मणों के वेश में चलेंगे। आपको तो पता ही होगा ना राजपुरोहित जी कि द्वारका शत्रु राजा का क्षेत्र है, इसीलिए हमें अपनी वास्तविकता भी छिपानी है और वहां पहुंचकर मीरा माँ को चित्तौड़ वापस लाने का पूरा प्रयास भी करना है। अब सब भगवान से प्रार्थना करें कि मीरा माँ, यहाँ राज परिवार ने उनके साथ जो भी अन्यायपूर्ण व्यवहार किया उसके लिए वे हमें क्षमा कर चित्तौड़ वापस लौटने के लिए मान जाए। गौर प्रताप, आज जब भी हम इतिहास में झांकते हैं दादा भाई के लिए हमारे मन कृतज्ञता का भाव आ जाता है, जिन्होंने प्रताड़नाओं के सागर के बीच मीरा भाभी के लिए इस महल में ही भक्ति का एक छोटा सा द्वीप बनवा दिया था।
के बीचों बीच इतना भव्य मंदिर किधर गोपाल जी का? आपका ये बार बार होने वाला अपमान हमसे देखा नहीं जाता मीरा जी। जब भी आप भक्ति में लीन होकर महल से बाहर जाती हैं तो आपको अपमानित होना पड़ता है, लांछित होना पड़ता है, पर यह हमसे देखा नहीं जाता। अब यही है आपके श्री कृष्ण, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, और यहाँ पे कोई भी कृष्ण भक्त आ सकता है और उसके लिए यहाँ के द्वार हमेशा खुले हुए हैं। स्वामी, मेरे तन मन से आपको कोटि कोटि धन्यवाद। स्वामी, यहाँ हमारे गिरधर गोपाल के लिए प्रसाद बनेगा और यहाँ सारे भक्तगण बैठेंगे और इधर सितार वादक बैठेंगे और यहाँ अपने गिरधर गोपाल के चरणों में बैठकर हम उनके लिए भजन गाएंगे। अब वो मंदिर मीरा भाभी के लिए केवल पूजा और भक्ति का स्थान नहीं था, अभी तो वो मंदिर जहाँ उन्होंने अपनी रुचि अनुसार भक्ति का वातावरण बना दिया था, वह अब उनके जीवन का संबल बन गया था। वाह, अपनी पत्नी के लिए बड़े ही सहयोगी स्वभाव वाले पति थे फिर तो भोजराज जी। अच्छा, तो हमने आपको कब कुछ करने से रोका है? नहीं नहीं राणा जी, हमारे कहने का यह अभिप्राय नहीं था। जयंता भाई जी, हमें तो यही लग रहा था कि आपका अभिप्राय यही है। हमें लगता है कि हमारी पीठ पीछे हमारी सभी रानियां यही सोचती हैं कि हम एक बहुत ही कठोर नियंत्रक पति। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप राणा जी? आप तो हमारी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ पति है, बल्कि आप जैसे पति का आशीर्वाद हमें ईश्वर से मिला है ऐसा कभी किसी को मिला ही नहीं होगा। वैसे एक बात कहें जयंता भाई जी, आपके मुंह से अपने बारे में सब सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है हमें। चलाब, आलीजान, आदाब। रुखसत से पहले हम आपके ही आरामगाह में आ रहे थे इजाजत लेने। जलाल, हमने आपको आज तक कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका। अभी महामंगा और बाकी तमाम लोगों ने बताया कि आप द्वारका जा रहे हैं। द्वारका तो गुजरात में पड़ता है ना, और गुजरात पर हुकूमत बहादुर शाह जफर की है जो हमारे गहरे दुश्मनों में से एक है। ऐसे में आपका वहां जाना खतरनाक हो सकता है। हमें तो आपकी फिक्र हो रही है जलाल, खुदा ना करे अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? ठीक है, आप दोनों हमारे लिए इतनी फिक्रमंद हैं, तो आपके सुकून के लिए हम ये सफर एक मुगल बादशाह की मानिंद नहीं करेंगे, बल्कि एक मामूली तिजारतदान बनके करेंगे। ठीक, शुक्रिया जनाब, आप अपना ख्याल रखिएगा। हम कल सुबह द्वारका के लिए रवाना होंगे, और अब आप सब नहीं, फकत मुट्ठी भर लोग ही हमारे साथ चलेंगे। रेडी कम, देखिए इस अभियान में हम कहीं के राजकुमार नहीं, हम तो जैसे आप सब हैं वैसे ही एक साधारण सहयात्री है जिसके मन में मेवाड़ की सबसे पवित्र आत्मा को पूरे सम्मान के साथ फिर से यहाँ उनका न्यायपूर्ण स्थान दिलाने की इच्छा है।
भगवान कुंवर प्रताप को इस अभियान में सफलता दे। मियां तानसेन एक बात अच्छी तरह से समझ लेना कि जैसे जैसे हमारे घोड़े एक एक कदम द्वारका की ओर बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी मौत आपके करीब आती जाएगी। और ये जितने भी मनगढ़ंत अफसाने सुनाए हैं ना आपने हमें मीराबाई के, उसमें से एक भी अफसाना आपको बचा नहीं पाएगा। हुजूर, आपने तो अनगिनत युद्ध लड़े, सहस्त्रों शत्रुओं को धराशायी भी किया है, मृत्यु से भयभीत चेहरे को भला आपसे अधिक और कौन पहचान सकता है? देखिए मेरी ओर, ध्यानपूर्वक देखिए, क्या आपको मेरी आंखों में मृत्यु का भय दिखाई देता है? आपकी इस बेखौफ आंखों के पीछे मीराबाई पे आपका यकीन ही है ना? देखते हैं, जब हम उनके सामने आपका सर कलम करेंगे तो कैसे बचा पाती है वो आप? मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये यात्रा कम से कम एक बार आपको अपने आप से साक्षात्कार अवश्य करवा देगी। आपके अंदर की वो आत्मा जो ना शहंशाह हिंद है ना अपने आप को स्वयंभू समझती है, आपके सामने लाकर खड़ा कर देगी। मीरा माँ की पवित्र भक्ति आपके अंदर के उस मैं, उस निश्चल आत्मा के सामने लाकर खड़ा कर देगी। मीरा माँ का जनमानस पर अक्सर यही प्रभाव पड़ता है। चलो, चलो। ये तीनों थालियां पूजा घर में रखवाइए। जीजा, तीनों नहीं दोनों। आरती के थाल अब तीन नहीं, दो रह गए। हाँ वो जानते हैं जीजा, पहली बार कुंवर प्रताप अपनी छोटी माँ से तिलक लगाए बिना इतनी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। पता नहीं यदि बेना आज यहाँ पहले की भांति हमारे साथ होती तो कुंवर प्रताप के जाने पर कैसी प्रतिक्रिया देती। फिर राणा जी ने मीराबाई को वापस लाने के लिए बाजीराज प्रताप को द्वारका जाने की अनुमति दे दी है और बाजीराज प्रताप द्वारका के लिए बस अभी अभी निकले। पुरोहित जी, आज मीरा माता के पास द्वारका जाते समय हमें जितनी उत्सुकता हो रही है उतनी उत्सुकता तो हमें बड़े से बड़े शत्रु के साथ युद्ध करते समय भी नहीं हुई थी। इसका कारण यह है बाबूजी राज प्रताप कि आप अपने पुरखों के गलतियों के पराश्चित की भावना से वहां जा रहे हैं, उनके द्वारा किए गए अनुचित निर्णयों का उचित समाधान के लिए वहां जा रहे हैं। अपने पुरखों के द्वारा किए गए महान कार्यों पर गर्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो यह है कि कोई उनकी गलतियों का उत्तरदायित्व ले ले। और आज यदि आप मीराबाई को मनाकर घर वापस लाने में सफल हो गए ना बाबूजी राज, तो आप एक नए इतिहास का निर्माण ही नहीं करेंगे वरन लिखे गए इतिहास को नए सिरे से लिखेंगे। मेवाड़ के स्वर्णिम इतिहास में अभिशाप के जो काले पन्ने लिख दिए गए हैं उसे सदा सदा के लिए बदलने हेतु आप द्वारका जा रहे हैं। तो क्या सब? क्या सब? हम ये रास्ता क्यों पकड़ रहे हैं? शमसुद्दीन दिन? जी हुजूर। ये तो लंबा वाला रास्ता है ना? जी जनाब, बेशक ये रास्ता लंबा है पर इस पर कोई खतरा नहीं क्योंकि ये छोटा वाला रास्ता हमारे दुश्मन मेवाड़ के इलाके से गुजरता है और भला हम वहां से कैसे जा सकते। एक दिन जब हमें इस रास्ते से गुजर कर मेवाड़ को अपने कब्जे में करना है और फिर हम जब इस रास्ते से गुजर ही रहे हैं तो इस रास्ते पे एक नजर डालने में क्या हर्ज है? और वैसे भी हमें इस इलाके में कोई पहचानता भी नहीं। इसमें हंसने वाली क्या बात है मियां तानसेन? बात ही कुछ ऐसी है जहां पना आप मेवाड़ को हत्याने का स्वप्न मन में लिए
मेवाड़ की बहू से मिलने मेवाड़ के एक क्षेत्र से बिना अपनी पहचान किसी को बताए हट के साथ निडर भाव में जा रहे हैं। लगता है वीरों की इस धरती से आपका कोई पुराना नाता अवश्य है। हमारी प्रशंसा के अतिरिक्त आपकी सभी बातें सही है पुरोहित जी, इसीलिए हमने सोचा है कि हम मीरा माता के सामने जाते ही उनके चरणों में गिरकर हमारे परिवार द्वारा उनके प्रति की गई भूलों के लिए उनसे क्षमा मांग लेंगे। परंतु बाबूजी राज, क्या आप मीराबाई के प्रति हुए सभी अन्यायों, गलतियों और षड्यंत्रों के बारे में पूरा पूरा जानते हैं? पूरा पूरा तो नहीं जानते, परंतु आप तो इन संबंधों के बारे में सब बातें जानते हैं। हाँ जानते तो हैं, और यदि आप चाहेंगे तो भारी मन से ही सही, परंतु इतिहास के इस दुखद पन्ने को आपको सुना अवश्य देंगे। वाह, तो ये है चित्तौड़ का वो मशहूर किला। क्या शानदार किला, कितना मजबूत, कितना महफूज। वाह वाह। आपने इस मंदिर को तो फिर से वैसे ही सजा दिया जैसे मीरा भाभी सजाया करती। सच कहे राणा जी, इसे सजाने में हमें इतना आनंद मिला है जितना हमें कभी किसी काम में नहीं मिला। आपने किसी आवश्यक कार्य के लिए हमें यहाँ पर बुलाया? हाँ, हम आपको एक विशेष चीज दिखाना चाहते हैं। आइए। ये क्या दिखाना चाहती हैं? देखिए राणा जी, मेरी प्रिया मीरा के लिए ये लिखावट तो दादा भाई की है। वही तो, इसे यही पता चलता है ना राणा जी कि कितना प्रेम था मीराबाई के लिए उनके मन में। ऐसा भव्य मंदिर बनवाया उनके लिए और फिर समर्पित भी किया उनके नाम लिखित रूप में। जयवंता भाई जी, ये मीरा भाभी की कहानी का एक पक्ष है जिसमें मीरा भाभी को दादा भाई से स्नेह मिला, प्रेम मिला, सम्मान मिला, लेकिन इसी कहानी के दूसरे पक्ष में दुख था, प्रताड़ना थी, अपमान था। किंतु चिंता हमें इसी बात की हो रही है जयवंता भाई जी कि कुंवर प्रताप मीरा भाभी को यह चित्तौड़ वापस लाने गए तो, लेकिन क्या मीरा भाभी भुला पाएंगे उन सभी दुखदायी अनुभवों को? क्या वो भुला पाएंगी उन सभी प्रताड़नाओं को, उन सभी दुर्व्यवहार को जो उनके साथ या महल में एक बार नहीं कई बार हुए?